हेलो एवरीवन, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फाइनली 2022 कैसा रहेगा आप सभी के लिए हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। बट यू नो, टैरो कार्ड्स की प्रेडिक्शंस में क्या आए आई डोंट नो फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन, बट दिल से मेरी आप सभी के लिए यही दुआ है कि नया साल आपके लिए नो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी न्यू गुड पॉजिटिव बिगिनिंग्स लेके रहा है। आप जिस चीज़ के लिए उन्होंने तहे दिल से बहुत टाइम से प्रार्थना करे हो, सारी आपकी मुरादें पूरी हों, यही ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रार्थना है। सो यू नो, आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी यू नो फॉर दिस न्यू ईयर। आप सभी इतने सालों से मेरे साथ यू नो बहुत टाइम से सब्सक्राइब, इट्स लाइक अ फैमिली, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। सो थैंक यू आप सभी को दिल से, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिन लोग को मेरी रीडिंग से कनेक्ट होता है। सो आप सभी के कमेंट्स मैसेजेस मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू नो। कहते ना कि सर झुकाकर आप सभी को प्रणाम है दिल से, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू नो। जितना आपको लगता है कि आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हो, उतना ही मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ। तो हम मिलकर ये नए साल की शुरुआत करने लगे हैं, तो यू नो यही मेरी प्रार्थना है कि यू नो आप जितने भी व्यूवर्स हो एंड जितने न्यू भी देख रहे हैं ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सो उन सभी के लिए सारी गुड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं। एंड दैट्स इट। सो यू नो इसी के साथ साथ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। यू नो नया साल शुरू होने वाला जा रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, यू नो नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड उसी के साथ साथ, अगर आप डेली टैरो रीडिंग जानना चाहते हैं, सो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। इस साल मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की हुई है, तो मैं ब्लॉग्स लिख रही हूँ पर्सनालिटीज़ के ऊपर एंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो उसे भी ज़रूर सपोर्ट करें। आप जाकर ब्लॉग्स पढ़ें, देखें एंड एडवाइस भी करें, और कौन से न्यू ब्लॉग्स आप पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से, क्या मैसेजेस आ रहे फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन फॉर दिस अपकमिंग न्यू ईयर। चलिए, हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सुनो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो है दी एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। सुनो बहुत ही पॉजिटिव और शुभ कार्ड है आपके काम को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर। 2022 में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे अपने काम को लेकर, जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब मिलती हुई दिख रही है, सम वे और दी अदर ट्रैवल के भी योग बन सकते हैं, कहीं आना जाना हो सकता है काम को लेकर या इन जनरल बिट, बट ऑल ओवर एट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है कि सब कुछ बड़ी स्पीड में हो रहा है, बहुत काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम सब कुछ निभा रहे हैं, सब कुछ यू नो चलता जा रहा है लाइफ, पता नहीं चल रही टाइम कहाँ भाग रहा है। सो वो वाली वाइब है, इट्स अ गुड एनर्जी, ज़रूर उस पर काम करते रहो। ऐसा अगर होता है सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, इट इज़ अ गुड साइन। सो अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, सो आगे आपके लिए जो कार्ड्स आए, द फोर ऑफ कॉइन्स के कार्ड आए हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि शायद से आप 2022 में कुछ बातों को, कुछ यू नो मे बी किसी को आप याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, कोई इमोशंस, कोई बातें आपने पकड़ के रखी हुई हैं, या फाइनेंसेस को लेकर भी थोड़े स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हो इन दी मिडल ऑफ दी ईयर में, बट नथिंग टू वरी। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जितना हो सके लेट गो करो, नेगेटिविटी को जाने दो, चीज़ों को पकड़ के मत रखो, पैसे को लेकर ऐसा फेयर मत रखो कि ओ गॉड ये खर्चा हो जाएगा तो कैसे होगा, अपने आप भगवान आपको देगा। यू नो एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ ही आप चलें। मे भी होता ना कि हमारा, अगर हमारे पास 50 रुपये पड़े, हमारा 10 रुपये खर्च हो रहे, तो हम रखते हैं बाप रे 10 रुपये खर्च हो गए, तो हर खर्चे को, हर एक्सपेंसेस को नेगेटिव रूप में ना देखें, अपने माइंडसेट को ये रखें कि कोई बात नहीं, अगर मैंने ये खर्चा किया तो मुझे उसके बेनिफिट्स मिले हैं, कोई बात नहीं, अगर मेरा ये हुआ है तो ऊपर वाला मुझे और देगा, तो वो विश्वास से आप चलें। बिकॉज कहीं ना कहीं फोर ऑफ कॉइन्स के कार्ड फियर दिखाते हैं, फियर ऑफ मनी, यू नो कि हम कहते हैं ना, हम इकट्ठा करते जाते फिर भी हमें वो सुकून नहीं महसूस होता कि हमारे पास इनफ है, बिकॉज ये माया है, हम जितना चाहे इसको इकट्ठा कर लें, हमें वो सिक्योरिटी नहीं फील होती, हम एक भागम भाग में रहते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हमें एम्बिशियस भी होना है एंड हमें बैलेंस भी रहना है, नो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बैलेंस, बट यही है कि आपने इसको निभा के रखना है। एटलीस्ट अगर मेहनत करो, हार्डवर्क करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको देखकर आप टेंशन में मत होगी, ओ गॉड अब क्या होगा, क्या मेरे पास इतने फाइनेंसेस हैं, क्या मैं मैनेज कर पाऊँगा, बिल्कुल नहीं, आप ज़रूर कर लोगे, उस पर वो भरोसा रखो। आगे देखिए नो, कहीं ना कहीं द क्वीन ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं आपके लिए। करियर में अगेन वेरी गुड एनर्जी, प्रमोशन, लग्जरी, ग्रेट हैपनिंग्स, ट्रैवल के योग बने हुए दिख रहे हैं, फिर से आए हैं आपके लिए। सो गुड एनर्जी करियर वाइज। देखो मैं कहूँगी कैप्रिकॉन्स, आपके लिए ये साल बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छा होता हुआ दिख रहा है, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। वहीं अगेन द डेविल के कार्ड आए हैं। मोस्टली मुझे नो ये एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं
कि आपको मे बी ऐसा लग सकता है कि लोग आपकी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, या यू नो एक अच्छी वाइब नहीं लगती है। सो अगर ऐसा है तो इन ऐसे टाइप के लोगों से थोड़ा दूर रहें, उन्हें कम अपनी लाइफ के बारे में बताएं, इस तरीके से डिस्टेंस ज़रूर बना के रखें। रेस्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ अटकी हुई है, कहीं स्टक है एंड आपको यू नो लग रहा है कि, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका विल पावर ही आपको निकाल पाएगा इस सिचुएशन से। एंड ज़रूर ऊपर वाला आपको विल पावर देगा भी, ताकि आप उसे ओवरकम कर सको। देखो, जो रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, मे बी 2022 में इट्स हाई टाइम कि आप इस टाइप के रिश्ते को ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। अगर कुछ वर्कआउट होता है तो ठीक है, नहीं तो उन रिश्तों को जाने दें, लेट गो करें। कोई भी टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना रहें। यू डिज़र्व द बेस्ट, कैप्रिकॉन्स, तो वो अंडरस्टैंडिंग से ही आप आगे बढ़े। अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें रिलेशनशिप में, चाहे वो अरेंज मैरिज हो रही है, चाहे वो आपकी लव मैरिज हो रही है, नो मैटर व्हाट इट इज़। बट आपको समझना होगा कि अगर आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वहाँ से थोड़ा सा पॉज ले लेना, ब्रेक ले लेना, उसके बाद में डिसाइड करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आगे देखिए, कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, जो कह रहा है दैट यू नो आपके पूर्वजों की कृपा आप पे बनी रहेगी। नो, स्नेक को देख के डर मत जाइए, ये एक पॉजिटिव सिंबल है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का स्नेक है, होली व्हाइट स्नेक किसे कहते हैं। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लाता हुआ दिख रहा है। आपके पूर्वजों की कोई अगर प्रॉपर्टी अटकी पड़ी है, कुछ पैसा अटका पड़ा है, तो वो भी आपको मिलेगा। बाकी आपके पूर्वजों की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है एंड आप हमेशा उनकी नज़र में हो, उनकी तरफ से आपको हमेशा वो रास्ता दिखाएंगे डिवाइन, ये भी कहा जा रहा है। एंड 2022 में अपनी डाइट का ध्यान दें, अपने आप को डिटॉक्स करें, इमोशनली भी, मेंटली भी, यू नो अपनी एनर्जी को भी क्लियर रखो एंड अपनी डाइट को भी क्लियर रखो, तो अच्छा माना जाएगा। एंड साथ ही साथ यू नो आगे आपके लिए अगेन देखो कार्ड आए हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल। अगर आपको लगता है, जैसे यहाँ पे मैं कह रही थी, कोई आपको नेगेटिविटी देता है, नज़र लगा देता है, आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, तो उनसे आपको दूरी बना के रखनी होगी या उनसे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना होगा। कुछ ना कुछ रूप में आप अपना प्रोटेक्टेड अपने आप को ज़रूर रखें, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। 2022 में आपके लिए सजेशन है, किसी ना किसी रूप में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स भी आती हुई दिख रही हैं, ब्रेव एंड पावरफुल होते हुए दिख रहे हो, श्योर श्योर सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बस आपने थोड़ा सा फियर को ओवरकम करना है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन आपको उसे लेना है, उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी इसमें डरने वाली बात नहीं है कि नो ये अपॉर्चुनिटी आएगी या वो अपॉर्चुनिटी आए तो कौन सी वाली मैं लूँ, कैसे लूँ। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होगी, वो अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी एंड चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बड़े डिसीजन के बाद आप लोगे, उसमें भी आपको आगे सक्सेस मिलेगी, ये विश्वास आप रखो, तो अपने आप डिवाइन आपके लिए रास्ते खोलेंगे भी और आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। सो नो, अगेन मैं सेम चीज़ कहूँगी दैट कैप्रिकॉन्स, इट्स ऑल अबाउट करियर। फाइनेंस में मेरे को अच्छी लग्जूरियस लाइफ, सक्सेस, प्रमोशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। सिर्फ आपने थोड़ा जो मेरे को नेगेटिव लोगों की वाइब दिखती है, उनसे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो, चाहे वो ऑफिस का पॉलिटिक्स है, कोई भी कॉम्पिटिशन है, नो मैटर वॉट इट इज़, आपने अपने ड्रीम्स पे खुद भरोसा रखना है। एंड सो ये कुछ आपके लिए स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं कैप्रिकॉन्स, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी माई डियर कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच।